और जो लड़ाई के तुमने शुरुआत की थी वो यूनिवर्सिटी से और देश के एक एक यूनिवर्सिटी से लड़ा जाएगा, दलितों के हक के लिए, मुसलमानों के हक के लिए, पिछड़ों के हक के लिए और आदिवासियों के हक के लिए, रोजितों गरीबों के हक के लिए। उससे पहले कि हम वेतन Amidst the chaos happening in Jamia, Millia, Islamia right now, we can see a lot of stalls, sort of things set up on all across the road, all sides of the road. So over here, we can see a lot of people reading books on the side of the footpath. So yeah, this guy is actually managing it all. So let's talk to him. Apna naam bataiye. Mera naam Anzar Rahi hai. Main Jamia student hu, B.A. honors hai. ये आप हमें इसके बारे में बताइए, यहाँ आपने क्या स्टार्ट करा है? ये जो पीछे यहाँ पे लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, किताब यहाँ पे इतनी सारी रखी है, तो आप बताइए इसके बारे में। जी, हमारे लाइब्रेरी में 15 तारीख को जो बर्बरता हुआ पुलिस की जानिब से, जो पुलिस वाले घुस के टीयर गैस और बच्चों पे जो हमला किए हैं, उसके बाद हमने सोचा हमारी लाइब्रेरी अब तक बंद है। उसके बाद हमने ये सोचा फौरन कि एक ओपन लाइब्रेरी हम लोग खोला, एक तरह से प्रोटेस्ट का तरीका भी हो और हमारी पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए हमने एक लाइब्रेरी खोला जिनका हमारे साहिल भाई ने नाम रखा रीड फॉर रेवोल्यूशन और उसको यहाँ पे चलाया। उसके बाद बुक का इंतज़ाम किए हम लोग और उसके बाद चल रहा है। तो ये किताबें आपने कहाँ से इंतजाम किए इनके? बुक के इंतज़ाम कुछ गांधी मार्केट से आया है, गांधी पीस फाउंडेशन से, और कुछ जो राइटर्स खुद आए हैं जैसे अरुंधति राय आए हैं और विक्रम स्वीट है क्या नाम है वो आए हैं और एक है राणा सफ़ी वो आए हैं, वो सब अपनी बुक दिए। अरुंधति राय खुद से 21 बुक दिए हैं और विद सिग्नेचर के साथ दिए हैं। तो आपको एक तरह से राइटर्स से और काफ़ी अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी हेल्प मिल रही है ये रीड फॉर रेवोल्यूशन चलाने के लिए। तो यहाँ पे कितने लोग दिन भर में आते हैं? करीब सुबह से लेकर शाम तक में हमें 10 बजे 10:30 बजे लाइब्रेरी ओपन करते हैं, रात में 6:30 बजे बंद करते हैं। तो लगभग तकरीबन 700 से 800 तक आ जाते हैं। 700 से 800 की एक तरह से फुटफॉल होती है जो लोग यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं एक तरह से। तो ये बहुत ही उम्दा आइडिया एक तरह से मैं कहूँगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि इतनी अच्छी चीज़ आपने यहाँ पे स्टार्ट करी जामिया में इस प्रोटेस्ट के दौरान, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ थी, लेकिन आपने स्टार्ट करी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप चला रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर जामिया। थैंक यू।